सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ है स्वाति जी, जो द्वारका दिल्ली के एक स्कूल में टीजीटी साइंस के पद पर कार्यरत है। और स्वाति जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपका मैं हार्दिक आभार प्रकट भी करती हूँ कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया। टीचर्स ने जो कोरोना के टाइम पे हमारे पढ़ाई को जो एक कंटिन्यूएशन दी है, जो पॉज बटन लग गया था शुरू में पढ़ाई के ऊपर, और उसमें जो प्ले का जो बटन उन्होंने प्रेस किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं आप सभी टीचर्स का तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और आप सभी टीचर्स ने जो ये कार्य किया है, ये बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। तो आज मैं स्वाति जी से कुछ सवाल जवाब करूंगी और वो हमारे जवाब देंगी। तो स्वाति जी, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो स्वाति जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि टीचर्स को किस तरह की परेशानियां जो हैं, एकदम से जो ऑनलाइन सब कुछ शिफ्ट हो गया, तो किस तरह की परेशानियां आप लोगों को आई और आप लोगों ने कैसा उसकी तरफ अपना एकदम दृढ़ निश्चय जो दिखाया, तो कैसे थोड़ा बताएं इन लोगों को? देखिए, सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि पारिषद जी आपने बताया, जब कोई चीज एकदम से आती है तो अपने साथ कुछ परेशानियां लेकर आती है। और हम सबके लिए भी एक फोन एक इसी तरह की चीज थी, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई का शिफ्ट होना। पहले हम सब ऑफलाइन में एक अपने हमारा एक कंफर्ट जोन आ गया था वहां पर, बट इस कोविड ने हमें उस कंफर्ट जोन से निकाला और बोला कि अब इस मोड पर आ जाओ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आइए। तो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। स्टार्टिंग में बहुत परेशानी आई क्योंकि लॉकडाउन लगते ही काफी सारे बच्चे अपने होम टाउन की तरफ मूव कर गए थे और न्यू सेशन की बिगनिंग ही थी, तो बुक्स भी अवेलेबल नहीं हुई थी उस समय। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हमारे परेशानियाँ हुई, इवन टीचर्स को भी परेशानियाँ हुई ग्रुप्स फॉर्म करने में, व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप सबके पास है। बट हमारे पास जो फ़ोन नंबर्स थे वो कुछ ऐसे थे जो सिर्फ फ़ोन यूज़ कर रहे थे, उन नंबर्स पे व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी जब हमें बच्चों से हम कनेक्ट नहीं कर पाए, तो इसमें काफ़ी समय लगा। बट धीरे धीरे सब कुछ लाइन पर आया। स्टार्टिंग में हाँ, जो प्रॉब्लम्स थी वो तो थी। जी बिल्कुल। अगला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको बेहतर क्या लगा? मतलब अभी आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो क्या चीज बेहतर लगी? देखिए, बात तो सही ये है कि टेक्नोलॉजी हमें इम्प्रूव कर सकती है, हमें इम्प्रूव कर सकती है, हमारा साथ दे सकती है, बट वो एक टीचर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं करती, वो एज अ सपोर्टर के रूप में साथ चलती है। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑफलाइन मोड इज द बेस्ट मोड और वो हमेशा ही रहेगा। जी बिल्कुल। और आखिर में आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे कि स्कूल खुल गए हैं, बहुत से स्कूल्स और बच्चों के लिए भी खुल गए, छोटे बच्चों के लिए नहीं है शायद, और लेकिन बड़े बच्चों के लिए सब कुछ खुल गया है, तो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, तो आप लोग के लिए भी बड़ा उत्साह का माहौल होगा, तो स्कूल में कैसा माहौल है जरा बताएं? देखिए, भय का माहौल तो सब में है, बच्चे भी और पेरेंट्स भी थोड़ा डर डर के बच्चों को स्कूल भेज रही हैं। बट मैं यहाँ से आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है, स्कूल सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है, ऑल द टीचर्स आर वैक्सीनेटेड, जितने भी टीचर है, स्टाफ है, फोर्थ क्लासेस सब वैक्सीनेटेड है, बिना वैक्सीनेशन के कोई भी स्कूल में अब रहा नहीं है, और सभी लोग प्रॉपर मास्किंग, सैनिटाइजेशन, और इवन बच्चों का भी आते समय प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है और टेम्परेचर चेक होता है, उसके बाद ही हम उनको एडमिट करते हैं क्लास के अंदर, और पेरेंट्स के कंसेंट के साथ ही वो आते हैं। क्लास को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, MWF एंड TTS, दैट्स इट। और अंदर भी हम पूरे ही प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं सो दैट हम इस कोविड के नए वेरियंट से बच सकें। जी बिल्कुल, कोविड का नया वेरिएंट तो आ ही गया है, लेकिन हमारे टीचर्स और हमारा पूरा स्कूल का स्टाफ और सभी इंस्टीट्यूशंस और ऑफिस स्टाफ्स भी उसके सामने एकदम दृढ़ निश्चय से खड़े हैं। तो आखिर में मैं चाहूंगी आप बच्चों को एक एकदम प्रोत्साहित बड़ा मैसेज जो है दें। मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगी, बेटा मोड चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और जो भी कोई डाउट हो आस्क द टीचर एंड वी विल ऑलवेज हेल्प यू। मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और आप सभी का भी धन्यवाद।